ट्रक की हो बस की हो तो खंबे में टक्कर लगी ऑटोमेटिक, जिस हिसाब जिसका चेहरा टूट हुआ है सारा। अभी तक याद वो नहीं पता चला, नहीं ये नहीं हमने पता ही किसने मारी, तो यही पड़ा था बीच में पड़ा था, ये नहीं पता कहाँ पड़ा, क्योंकि हमने एक्चुअली यहीं पे देखा सर, सर यहाँ पे पड़ा था टक्कर खंबे में लगनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई है, फिलहाल साइकिल को देखा जा रहा है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, कहां का रहने वाला था, क्या काम करता था। इधर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारी मील हैं, क्या पता वहीं से आ रहा हो। सर क्या कुछ जानकारी मिली, सदर थाने से टीम पहुंची है, उससे पहले डायल 112 की टीमें भी पहुंची, अभी पता चला जैसे सर देखा है, अभी लगता है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, अभी कर रहे हैं तब तीस पता लगेगा जब कैसे। कहाँ पर हुआ है ये बर्डी बाईपास चौक पे है सर, यहाँ पे तो साइकिल भी मिली है। हाँ साइकिल मिली है, देख रहे हैं अभी पता क्या है। जानकारी क्या मिली थी, सूचना मिली थी कोई बंदा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, वहाँ पहुँचे तो पहुँच के पता लगा है, तो अभी मरा बंदा मिला, अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। बड़ी देर से आए हैं? नहीं नहीं, हम जैसे सूचना मिली हम तो पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी, पड़ताल की जाएगी कि हादसा है या फिर कोई और घटना यहाँ पर हुई है। पुलिस की टीमें यहाँ पर हैं, आसपास तमाम दुकानें हैं, वहां से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी ट्रक ने टक्कर मारी है, किसी कैंटर ने टक्कर मारी है या फिर किसी और गाड़ी के नीचे ये व्यक्ति आया है, क्योंकि जब भी यहाँ पर लोग पहुंचे जब तो वो यही बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर उस व्यक्ति का शव ही देखा, जो साइकिल है वो तकरीबन उस शव से 30 से 40 मीटर की दूरी पर थी। डायल 112 की टीमें भी पहुंचती हैं, चश्मदीदों का ये कहना है कि कुछ डायल 112 की टीमें देखकर चली जाती हैं और फिर सदर थाने की टीम यहाँ पर आई है और उनकी तरह से जाँच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, साइकिल से वो अपने घर की तरफ जा रहा था या रात की ड्यूटी देने के लिए जा रहा था। आज लोहड़ी का त्यौहार है और उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जिस परिवार का ये सदस्य था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल शव को पुलिस कब्जे में लेगी, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, शव की शिनाख्त की जाएगी, अगर शिनाख्त हो जाती है तो फिर परिवार वालों को वो शव सौंप दिया जाएगा, अगर शिनाख्त नहीं होती है तो 72 घंटे के बाद पुलिस इस शव का अंतिम संस्कार करवा देगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप किसी भी सड़क पर जा रहे हैं, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, सेक्टर की सड़क है, किसी गाँव की सड़क है, वहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, आराम से गाड़ी चलाएं, आराम से अपना वाहन चलाएं, ताकि जो लोग और सड़क पर चल रहे हैं वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंचे और आप भी अपने घर सुरक्षित पहुंचें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।